मधुमति। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने Z5 पे मधुमति नाम की मूवी देखी। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, 1958 में ही आई थी। इसमें मेन कलाकार थे दिलीप कुमार, साथ में विजयंती माला और प्राण नेगेटिव रोल में थे। और ओवरऑल ये मूवी मेरे को अच्छी लगी, पसंद आई। ये एक लव स्टोरी मूवी है जो कि बाद में एक सस्पेंस थ्रिलर में भी बदल जाती है और पुनर्जन्म के कंसेप्ट पे बेस्ड है। और जब मैंने इसका चेक किया तो पता चला कि ये 1958 की सबसे बिगेस्ट हिट थी, सबसे ज्यादा बिजनेस किया था इसने उस साल। और जो पुनर्जन्म का कंसेप्ट था, फिर ये इस पिक्चर से स्टार्ट हुआ, फिर इस आइडिया पे बाद में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई मूवीज भी बनी। बट ये ओरिजिनल पिक्चर थी जो पहली बार जो हिट गई थी पुनर्जन्म के कंसेप्ट पे। और इस मूवी को काफी अवार्ड्स भी मिले थे, टोटल 9 अवार्ड्स मिले थे इस मूवी को, जैसे कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, इस तरीके के अवार्ड्स। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था, सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड, जो कि लगभग 37 सालों तक रहा ये रिकॉर्ड। उसके बाद ये टूटा था। और ओवरऑल ये मूवी मेरे को पसंद आई। इसमें एक्टिंग, दिलीप कुमार जी तो बढ़िया एक्टर थे ही, उनकी इसमें बढ़िया एक्टिंग है, पर मेरे को प्राण की एक्टिंग ने सरप्राइज किया, क्योंकि ये उस वक्त की शुरुआती उनकी मूवी थी कैरियर की, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी। पर इस मूवी में भी जो उन्होंने एक्टिंग की है, तो एक बढ़िया रौब रौबदार उन्होंने एक्टिंग की है। प्लॉट जो है, मैं आपको स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, इसमें वैजयंती माला एक जंगल के गांव की लड़की दिखाई है, गरीब, और दिलीप कुमार इसमें पढ़े लिखे इंसान दिखाए हैं जो कि प्राण के यहाँ पर नौकरी करते हैं। प्राण इसमें काफी अमीर शख्स है और उस पे ये पूरा एक प्लॉट बेस्ड है कि वहां पर अब किस तरीके से होता है। विजयंती माला और दिलीप कुमार में इसमें एक रोमांटिक स्टोरी है और प्राण नेगेटिव रोल में है। सो ओवरऑल मूवी तो ये क्लासिकल मूवी है, देखने लायक मूवी है, मुझे मूवी बढ़िया लगी, मैं इस मूवी को रिकमेंड करूंगा। एक अलग हट के थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की मूवी है, थोड़ा स्लो भी चलती है, बट इसके अलावा फिर भी मूवी अच्छी है, देखने लायक है। मैं इस मूवी को रेटिंग्स दूंगा 4 out of 5। सो मैं इस मूवी को रिकमेंड करूंगा। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, बढ़िया मूवी है।